नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। हमारी हिंदी फिल्मों में कुछ कहानियां और किरदार हमें वह फिल्में बार बार देखने पर मजबूर करते हैं। यही किरदार जो कभी कभी हीरो की भूमिका में होते हैं, कभी विलेन तो कभी अपने ही माता पिता की भूमिका में नजर आ जाते हैं। यही हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरती है, जहां इस तरह के काल्पनिक किरदारों पर भी हम यकीन कर लेते हैं। इन एक्टर्स ने उम्र से ज़्यादा का किरदार निभाकर हमें भी हैरान कर दिया। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने पर्दे पर अपना और अपने पिता का यानी कि डबल रोल प्ले किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है ऋतिक रोशन का। फिल्म कोई मिल गया हमारी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। कोई मिल गया फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल क्रिश भी बनाया गया। इसके सीक्वल की कहानी बेहद अलग थी, लेकिन इस फिल्म का अंत सबसे खास था। फिल्म के एंड में ऋतिक रोशन अपने रोहित के किरदार में दिखते हैं, जो कि क्रिश के पिता हैं। ये मिलन इमोशनल कर देने वाला था। ये दोनों महत्वपूर्ण किरदार ऋतिक रोशन ने ही निभाए थे, जिसे खूब पसंद किया गया। फिल्म में उन्होंने 70 की उम्र के एक व्यक्ति के हाव भाव बखूबी दिखाए थे। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का। यूं तो अमिताभ बच्चन अपनी कई फिल्मों में डबल रोल में नजर आ चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ खास फिल्में आखिरी रास्ता और सूर्यवंशम हैं। इन दोनों फिल्मों में ये अपने ही किरदार के पिता बने थे। पर्दे पर एक ओर जहां वो सख्त पिता बने दिखते हैं, तो दूसरी ओर एक आदर्श बेटे। दोनों ही किरदार से दर्शकों को प्यार हो गया था। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की यह फिल्में जरूर देखी होंगी, और आपको इनमें अमिताभ बच्चन का रोल कैसा लगा यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आगे बढ़ते हुए हमारी इस लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का। शाहरुख खान के करियर की शुरुआती फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मैम में इन्होंने ट्रिपल रोल निभाया था, पिता और दो जुड़वा भाई का। ये तीनों किरदार इन्होंने ही निभाए। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इनका ये ट्रिपल रोल सभी को पसंद आया। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का। साल 1981 में आई फिल्म दर्द में सुपरस्टार राजेश खन्ना डबल रोल में दिखे थे। इस फिल्म में बाप और बेटे का किरदार उन्होंने खुद ही निभाया था। वो एक ऐसे पिता बने थे जिन पर मर्डर का आरोप होता है, इसलिए वे अपने बेटे को अपनी असलियत कभी नहीं बताते। फिर हर फिल्म की तरह इस फिल्म की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है धक धक गर्ल का। फिल्म संगीत में माधुरी डबल रोल में नजर आईं, जहां माँ और बेटी का किरदार उन्होंने ही निभाया। फिल्म में वो एक डांसर बनना चाहती हैं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। इसके बाद वे चाहती हैं कि उनकी बेटी डांसर बनने का सपना पूरा करे। और ऐसे ही कई और नाम हैं जो इस लिस्ट में आने बाकी हैं, जैसे कि जितेंद्र ने प्यासा सावन में अपने बाप और बेटे का किरदार निभाया था, और गोविंदा का हद कर दी आपने फिल्म का किरदार तो आप सभी को याद होगा, जिन्होंने अपने बाप दादा बेटे भाई बहन सबका किरदार खुद निभाया था। हालांकि ये बात अलग है कि वह केवल कैमियो रोल था। और इन सब के अलावा इस लिस्ट में सलमान खान का भी नाम आता है, जिन्होंने वीर फिल्म में अपने बाप और बेटे दोनों का रोल निभाया था। और ऐसे ही एक और कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, जिन्होंने भी कई फिल्मों में अपने बाप और बेटे का रोल अदा किया है, जैसे गुनाहों का देवता, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, कसम पैदा करने वाले की इत्यादि। और जब इतनी ढेर सारे एक्टर्स की बात हुई है, तो इसमें हम बाहुबली फिल्म को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें प्रभास ने अपना और अपने पिता का रोल निभाया था। और इसके अलावा श्रीदेवी ने भी खुदा गवाह फिल्म में माँ और बेटी दोनों के किरदार साथ साथ निभाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी, यह आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इनमें से आपका पसंदीदा कलाकार और उनका पसंदीदा रोल कौन सा है, यह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्द ही मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।